हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन सो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज आउट हुई हैं बीटेक के लिए विदाउट गेट हैं आपके पास वैकेंसीज क्या क्या वैकेंसीज हैं उसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना एक कोंकन रेलवेज में ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड एक मोर वैकेंसी है जो कि बहुत अच्छी है तो वीडियो को लास्ट तक देखो उससे पहले अगर आपने योर पीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दो एंड सेकेंडली फ्रेंड्स हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन तो उसको भी आप जाके वी कैन से सब्सक्राइब कर लो सो दैट उस पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहें सो लेट सी द अपडेट्स सो यहाँ पे ग्रेड सी की वैकेंसीज हैं एंड पोस्ट नेम एंड पोस्ट कोड यहाँ पे जैसे सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर ड्रिलिंग है उसके बाद मेडिकल ऑफिसर है इसकी एक पोस्ट है एंड बैकलोग पोस्ट जो ग्रेड ऑफ पे स्केल यहां पे मेंशन है अपर एज लिमिट 37 सेवन कैटेगरी आई कैन से एंड बैचलर ऑफ डिग्री विद मिनिमम फोर ईयर ऑफ़ ड्यूरेशन एंड 65 परसेंट एंड मिनिमम थ्री ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पे ओके लाइक इन इन्वायरमेंट यहाँ पे वैकेंसीज है तो सेम यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं ओके सो मैं यहाँ पे इसको जस्ट बेसिकली आपका टाइम सेव करने के लिए देख रहा हूँ सो दैट आप उसमें देख सके सीनियर ऑफिसर जो कि ग्रेड बी की वैकेंसीज हैं अब मेडिकल वाला नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री ईयर ड्यूचर ऑफ एनी डिसिप्लिन और यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है टू ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ओके okay. ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का सीनियर ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एंड देन लैंड एंड लीगन सीनियर ऑफिसर ओके सो इसके लॉ रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप डिग्री वाला देख सकते हो वैकेंसीज ओके ना नेक्स्ट इज़ बेसिकली मकैनिकल का है टेन वैकेंसीज बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे कैन से एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपके पास नहीं रिक्वायर्ड है ओके okay. एंड उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसीज़ देख सकते हो तो टोटल 28 वैकेंसीज ये हैं आपके पास अब बात करते हैं कॉन्फिडेंशियली सेक्रेटरी यहाँ पे आप नहीं अप्लाई कर सकते बेसिकली नाउ एब्रीवेशन वगैरह क्या क्या यूज़ की गए उसके बारे में बात नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस डिटेल कौन कौन सी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जिस भी फील्ड में रिक्वायर्ड है जैसे मैंने बताया तो उसको आप एक बार डिटेल से यहाँ पे देख लो ओके नाओ हेर यू कैन सी दैट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी उसके लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्होंने आई कैन से इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो उसको आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में हैं बिकॉज योर पीडिया यूजर्स इस कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द यूजर्स नहीं है दैट इज़ वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग एंड आई कैन से दैट पे एंड अलाउंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो पे आपका 60,000 थाउजेंड टू वन लैक एंड एटी थाउजेंड स्केल के ऊपर रहेगा जिसके अंदर बेसिक पे आपका 60,000 से स्टार्ट होता है ओके एंड सी एंड बी ग्रुप के लिए आपके पास डिफरेंट एंड ग्रुप ए के पास मिनिमम इतना आपके पास रहेगा ओके okay. सो so ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस फाइव प्लस एप्लीकेशन टैक्सेज फॉर जनरल ओ एंड एस सी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सी बी मार्क्स का एंड देन फेज टू के अंदर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू थर्टी एंड टेन तो ये आप देख सकते हैं तो इसके बारे में आप योर पीडिया के साथ टच में रहो डेली आपको जीडी डी पीआई के अपडेट्स वगैरह और जो भी टॉपिक्स हैं पर्सनल एक्सपीरियंस है कैंडिडेट का ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो अपलेड हो अपलोड होता है तो आप उसको एक बार जरूर फॉलो करो ओके okay, ऐसे डिफरेंट वैकेंसीज का सिलेक्शन प्रोसेस है तो आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर फिजिकल फिटनेस का इन्होंने बताया है डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं सर्विस बॉन्ड कितना है पोस्टिंग कहाँ होने वाला है तो ये ऑल जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे इन्होंने गिवन है ओके द कट ऑफ डेट ऑफ एक्सपीरियंस इज टेन टन ट्वेंटी एंड हाउ टू अप्लाई यहाँ पे आप फिफ्टी नाइन टू लेके टेन टेन तक अप्लाई कर सकते हैं एंड इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करो ओके okay. सो so, ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कशन करेंगे यहां पे आप लोग नाउ नेक्स्ट वैकेंसीज इज आई कैन से ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर एंड कोल इंडिया कोल ऑफ इंडिया कोल इंडिया के अंदर यहाँ पे वैकेंसीज हैं नोटिफिकेशन फॉर अप्लाई टू ग्रेजुएट एंड टेक्निकल अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इन माइनिंग एंड माइन सर्वेंग फॉर वन ईयर ट्रेनिंग ओपन कास्ट तो एक ट्रेनिंग के लिए है यहाँ पे आई कैन से अप्रेंटिसिप टाइप एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस मार्केट माइनिंग के अंदर वन एंड टेक्निकल अप्रेंटशिप माइनिंग एंड माइनिंग सर्विंग के अंदर थ्री वन जीरो वैकेंसीज हैं यहाँ पे ओके okay, तो एलिजिबिलिटी क्या है कैंडिडेट शुड होल्ड फोर ईयर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटशिप एंड थ्री ईयर डिप्लोमा फॉर दिस तो फर्स्ट वाली के लिए आपको डिग्री एंड सेकेंड वाली के लिए डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट पड़ेगा यहाँ पे एंड uh, अगर हम लोग बात करें दैट एज की बात करें ओके कैंडिडेट शुड नॉट प्रोसेस कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं ओके okay. एंड uh, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दैट कैंडिडेट शुड हैव अप्लाइड फॉर एस सी ई एल ऑन अप्रेंटशिप पोर्टल दिस टिल ट्यूजडे फिफ्थ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू मिड नाइट तक ओके okay. तो आपको सबसे पहले एम एच आर डी जो उनका नेट्स का वेबसाइट है उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा ना एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है यहाँ पे गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट एम एच आर डी के ऊपर रजिस्टर करो देन यू हैव टू अप्लाई ऑन दिस वेबसाइट ओके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है डेट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑन नैट्स एंड बोट वेस्टर्न रीजन ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग आपका नंबर के ऊपर बेस आई कैन से शॉर्ट लिस्टिंग होगा इसमें ज्यादा कुछ आई कैन से डिटेल्स वगैरह नहीं है एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रहने वाला है एंड ये आपका स्टाइफेंड है जो नाइन थाउजेंड एंड एट थाउजेंड रिस्पेक्टिवली फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर्स ओके एंड हेयर यू कैन सी दैट द डिटेल्स ऑफ अदर आ, हिंदी के अंदर भी आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा अब बात करते हैं कोंकण रेलवे के अंदर तो यहां पे एक नोटिफिकेशन था जिसके बारे में अपडेट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसीज uh, थे यहाँ पे सेवन एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सेवन एंड और आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह थे एंड उसका फॉर्म वगैरह उन्होंने मांगा था उसी के रिलेटेड यहाँ पे कॉरीग्रेंडम है यहाँ पे एंड वो उसमें क्या नोटिफिकेशन है तो आप देख सकते हैं दैट ये जो वैकेंसीज हैं ओके के आर एल एज पब्लिश नोटिफिकेशन ऑन डेट डेटेंड वेयर कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप इज गिवन एज तो इन्होंने एक जनरल कम्युनिटी वाइज दैट इज़ नंबर ऑफ ब्रेकअप ऑफ पोस्ट इन्होंने रिलीज़ कर दिया है ओके okay, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी uh, के अंदर कितने वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स ये था आज का अपडेट संडे धमाका का आई होप यू लाइक द वीडियो एंड बेसिकली इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज शेयर विद फ्रेंड एंड मैंशन इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स